आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर पर आज पुलिस बल और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 18 माओवादियों को मार गिराने का पुलिस ने दावा किया है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी है। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। यह एनकाउंटर मलकानगिरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। यह आंध्र प्रदेश पुलिस के विशेष दल ग्रेहाउंड और ओडिशा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी। मौके से पुलिस को 4 AK-47, 3 सेल्फ लोडिंग राइफल और कुछ अन्य बंदूकें भी बरामद हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मलकानगिरी ओडिशा के माओवाद प्रभावित जिलों में से एक है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के समय कैंप में 50 से 60 माओवादी मौजूद थे, जिनमें से 18 को ढेर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस जगह पर माओवादियों की एक बड़ी बैठक होने वाली थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मौके से जिस तरह के हथियार बरामद हुए हैं, उसे देखते हुए आशंका जाहिर की जा रही है कि माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। देखते रहिए डीपी लाइव।